ये होंडा की एक स्ट्रीट बाइक है, बट देखने से ऐसा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेसरीज लगी हुई है वो कुछ टूरिंग टाइप लगी हुई है, तो ये मिक्सचर है। और इस बाइक का जो नाम है इसको बोलते हैं CB300R, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। और होंडा ने ऐसी बाइक्स काफ़ी सारी निकालती हैं 1000cc के अंदर से 600cc के अंदर, बट ये एक मिनिएचर वेरियंट है, सबसे छोटा वाला है। और जो बाइक लगती है ना काफ़ी क्यूट, क्रिस्प और स्लिम सी है मोटरसाइकिल। इसके ओनर हमारे साथ में, वो बताएंगे कि उन्होंने उल्लू वाली लाइटें क्यों लगाई, उनसे पूछते हैं कि ये स्ट्रीट मोटरसाइकिल के अंदर जो टूरिंग की जो स्पेसिफिक चीज़ें लगा रखी हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो मैंने इसमें अपना यहाँ पे देखेंगे तो ये बैक रैक हो गया, तो इसमें मतलब अपने लगेज वगैरह आप स्ट्रैप कर सकते हो, बॉक्स भी आ जाता है इसके ऊपर। हाँ, आप इसमें बॉक्स भी स्ट्रैप कर सकते हो। तो ये एक्सेसरी इस मोटरसाइकिल के लिए मिलती है मार्केट में? ये मैंने एक्चुअली बनवाई थी। ये तो वैसे भी बाइक ही रह रही है तो। अच्छा, तो इसके लिए सब कुछ बनवाना पड़ता है? नहीं, मतलब ये वाले पार्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बट बाकी चीजें जैसे आप देखोगे मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, तो ये वाला पार्ट अगर इजी मिल जाएगा तो इजीली लग भी जाता है? हाँ, आप देखोगे ना तो होंडा ने ये चीज अच्छी करी है कि यहाँ पे ना आपको चार स्क्रूज के पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, दोनों साइड में, जिसमें आपका यारा पार्ट अटैच्ड है। तो मेरा ये था कि मेरे को ये वाला निकालना नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे एक सारी गार्ड आता है वो मैंने सारी गार्ड निकलवाया है। तो होंडा को पता था कि ऐसे लोग स्ट्रीट मोटरसाइकिल लेंगे और टूरिंग पे जाएंगे। चलो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं यार। इसका ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये बड़ी इनकी बाइक्स में आता है सेम ऐसा एग्जॉस्ट, बट ये थोड़ा शॉर्ट है, वो थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, है ना। और ये होंडा की मोटरसाइकिल है, तो इसका जो अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, इस पे आपने कितने किलोमीटर रन किया इसको? अप्रोक्स 8600 समथिंग। 8600 समथिंग। और इसमें बाहर कितना घूमे होगे? सारा उसी का ही है। कितने का पार्ट लगा होगा मोटा मोटी? अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ये अराउंड 2000 से 2500 तक का ये है इसका, लगाने के बाद। हाँ, मतलब लगाने के बाद, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर इसका। कितने BHP की मोटरसाइकिल है ये? अपना है पावर, अगर बात को 31.1 BHP है इसमें। एक बार बैठ के दिखाओ। इसका जो स्टांस है ना वो बहुत एग्रेसिव है क्योंकि स्ट्रीट मोटरसाइकिल है। और क्या तो लगती है, एक बार फ्रेम नीचे से देखें ना तो नीचे से काफ़ी अच्छी सी लगती है ये, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ और साइडों से भी। तो ये कितना BHP जनरेट कर देती होगी? इसका जो हाईएस्ट वो है ना आपका जो पावर देती है ये अपने 6500-7000 RPM पे देती है अपने। तो ये अब उस टाइम पे 27.3 Nm का ये अपना टॉर्क जनरेट करती है। तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि भाई देखो मजा आएगा आपको। टेक्निकल जो है उनको तो समझ में आ गया होगा, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए बता देता हूं। भक्ति ये है, भक्ति है भाई, धन्यवाद, मजा आएगा इसका। मैंने वैसे इसको प्यार से जूनियर जी बुलाता हूँ, अपने बचपन में कार्टून आता था जूनियर जी करके, आपको याद होगा, ठीक है। वैसे इसका नाम मैंने बसंती रखा क्योंकि दिखने में बहुत खूबसूरत है, जब भी निकलती है तो लोग उसको मुड़ के जरूर देखते हैं। वैसे ये लग नहीं रही है कि ये 300R है क्योंकि इन्होंने ये बागबस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं जो कि स्ट्रीट मोटरसाइकिल के ऊपर ज्यादातर लोग नहीं लगाते, नहीं लगाते, है ना। तो क्या रहा ये जब ये सब चीजें लगाई तो लोगों ने बोला नहीं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बोला, बट स्टिल वही था कि शौक बड़ी चीज है, शौक बड़ी चीज है, कभी भी आ सकती है लाइफ में, कभी भी आ सकती है। अच्छा, और क्या क्या लगा रखा है इसमें? इसमें आप देखोगे, एक तो मैंने यहाँ पे अपना क्रैश गार्ड लगवाया है, ये मैंने खुद ने डिजाइन करा था इसका, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका डिजाइन किया था मींस की वेल्डिंग भी खुद की है? नहीं, वेल्डिंग मैंने नहीं करी, वेल्डिंग मैंने बाहर से करवाई है, बट कैसे बनवाना है, कैसे लगाना है, क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बल्क चाहिए था। हाँ, और ये चाहिए था कि ये प्रोटेक्ट कर सके इसको। हाँ जी, ओके। सो ये कितने का बन गया हुआ मेरा? दोनों का जो मेरे को पड़ा था ना, क्रैश गार्ड और ये बैक रैक का, ये मेरे को अराउंड 5000 का कुछ का पड़ा था, सस्ते में पड़ गए। और ये चीज हम देख रहे हैं कि एक स्लाइडर तो यहाँ है, दूसरा स्लाइडर यहाँ है, तो कितनी टांगे हैं जो हमें बचानी है इससे? मतलब ये दो 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 स्लाइडर क्यों है, क्योंकि दो तो यहाँ है, दो इधर है, तो चार हो गए। टांग टूट जाए कोई बात नहीं, बाइक पे खरोच नहीं आनी चाहिए। यो ये बात चलता है। और क्या लगा इसमें? तो एक अपना यहाँ पे आपने आउट लाइट का बताया था, तो ये जनरली मैं हिमालय साइड में काफी ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, तो वहाँ पे रात में ना मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ। ओके, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसमें व्हाइट लाइट हो गई, हाँ, देन इसमें येलो लाइट हो गई। अच्छा, व्हाइट और येलो दोनों है। हाँ, तो रात को कैसी लाइट है इसकी? रात में इसकी काफी अच्छी लाइट है, मतलब जो व्हाइट वाली है आपको काफी अच्छा सामने का पूरा व्यू देती है। तो बाइक की लाइट ज्यादा तेज है या इन दोनों की लाइट ज्यादा तेज है? इन दोनों की लाइट ज्यादा तेज है। बाइक की तो इन्होंने बोला है, हमने प्रोजेक्टर दिया, प्रोजेक्टर लाइट दी हुई है, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ब्लाइंड है। एक बात है, ये आउल लाइट कितनी सेक्सी लग रही है दूर से, है ना, ये येलो जले, ये व्हाइट जले,
तो बाइक की लाइट में जाननी है जितनी इन लाइट्स में जाना है। वो तो क्या होता ही है, जब भी कोई आफ्टर मार्केट चीज लगाता है ना वो हमेशा ऐसे ही बोलता है। अच्छा कितने की लगती है ये वाली? दोनों 1800 रुपए की लगी है मेरे। बस काफी काफी अफोर्डेबल लाइट्स है और लाइट की परफॉर्मेंस बढ़िया है। हाँ जी। और क्या लगा हुआ इसके अंदर? ये बागबस्टर। ये बागबस्टर लगा हुआ है। एक्चुअली इट्स नॉट ओरिजिनल। ठीक है, यही पूछना था। ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो काफी महंगा आता है। तो ये मैंने करोल बाग से लिया था अराउंड 3-3.5 हज़ार रुपए का। बट वो भी इसलिए लिया क्योंकि दोनों साइड में आपको उसका मेटल के फ्रेम मिल जाते हैं। दिल की तसल्ली के लिए एक चीज बताऊं जी, देखो ओरिजिनल के अंदर भी ये एल्युमिनियम का ही है, मेटल का ही, आगे प्लास्टिक ही है। बस क्या है वो उनकी फैक्ट्री से बन के आ रहा है और वो एक नाम है बागबस्टर। जो ये बंदे बना रहे हैं कॉपी, ये भी मेटल ही है, सेम ही उसकी स्ट्रेंथ फ्रेंड सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ फोर्ज कर रखा है इसको, ठीक है ना? तो ये दिल की तसल्ली के लिए मान लो ओरिजिनल लगाई है। क्या ओरिजिनल लगा हुआ है? और क्या लगा इसमें? इसके अलावा इसमें हैजार्ड लाइट है। हैजार्ड लाइट में इसमें आपको काफी सारे इसमें फॉर्मेशंस वगैरह दिख जाएंगे। अच्छा, मतलब वो आपकी खुशी के लिए कि अगर आपको कैसे स्टाइल मारना है। तो मारे हैं स्टाइल हमारे कहाँ पे? कॉलेज के बाहर? नहीं, वो स्कूल कॉलेज वाले काम नहीं है। शादी हो गई क्योंकि? नहीं, शादी भी नहीं हुई। चलो ठीक हो जाएगी। अच्छा फिर? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अरे ये अच्छा लग रहा है यार, पुलिस वाला टाइप्स। हाँ जी। तो बैठ के अगर मैं इसके ऊपर एक स्टांस दिखाऊं और इसको हल्का सा ना, आप इसमें फॉग भी ऑन करो और काफी अच्छा इसमें आएगा। स्टार्ट। इंजन की स्मूथनेस कैसी है इसकी? बहुत प्यारी, मक्खन है। गियर बहुत स्मूथ है इसके यार, है ना? सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं ना वो जल्दी न्यूट्रल नहीं कर पाते, आप इसमें बहुत प्यार से न्यूट्रल और मतलब न्यूट्रल कर दोगे। इवन इतने प्यार से न्यूट्रल होती है ना कि रास्ते ट्रैफिक चला रहे हो सेकंड गियर तो न्यूट्रल हो जाती है, पता नहीं चलता। और इसका जो न्यूट्रल फाइंडर है वो बहुत इजी है, जैसे एक बार ये अगर यहाँ से अगर दिखा दो तो बहुत एक तो इंजन तो स्मूथ लग रहा है इसका, ऐसे करिए बस ये न्यूट्रल हो गई। बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रांसमिशन है। अब इसका एक बार रोड अपीयरेंस देख लेते हैं कि कैसी है। पता नहीं, मुझे तो अभी ऐसा फील आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, बट वो तो आप लोगों को पता चलेगा कि है कैसी। ये जो इसका टर्निंग है, एक्चुअली इन्होंने इसके अंदर ये एक्सेसरीज वगैरह लगा रखी ना, इस वजह से ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है। अब चलते हैं एक भाई। इसमें एक्चुअली मैंने एक कस्टमाइजेशन करवा रखा है, फॉर्म बढ़वा, इसमें मैंने 40 mm की कुशन डेंसिटी बढ़वाई हुई है ताकि और मतलब कंफर्टनेस आ जाता है, तभी इतनी राइड कर ली, वरना पता है ना क्या होता है। क्या होता है? मैंने जब फर्स्ट डे इसको निकाला था ना शोरूम से और मैं यहाँ से जब निजामुद्दीन की तरफ गया था, उसी वक्त मेरे को समझ में आ गया था कि इसमें कुछ करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मैं इसको लेके फिर कुशन चेंज करवाने गया था। इसमें गद्दे डलवाने पड़ेंगे क्योंकि सीट काफी फ्लैट होती है, बहुत फ्लैट है इसकी, स्ट्रीट बाइक है ना। हाँ जी। इसलिए तो इन सारे जो आप ट्रिप पे जाते हो उसके अंदर माइलेज कितनी देती है? रास्ते में कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ इसका कभी? कुछ हुआ आज तक नहीं हुआ। मतलब आप देखोगे ना ये जो एजेस वगैरह सारे हैं इसमें, ये वाले, ये यही चीज मैं कह रहा हूँ। चलो टैंक पे हाथ रख दिया तो अभी बता दो टैंक कितने लीटर का इसका? 9.7 लीटर, बहुत कम है, बेबी है। मतलब 10 लीटर का भी नहीं है? 10 लीटर का भी नहीं है। तो ये कभी परेशानी दी है इसने की 10 लीटर का टैंक नहीं है? एक बार हुआ था मेरे साथ When I'm coming back from Sarchu to Manali, तब इसमें 2 काटे थे, मुझे लगा आज गया, आज धक्के मारने पड़ेंगे। 2 काटे थे, वही काट सकते थे। अच्छा, बट स्टिल टांडी पे अपना पेट्रोल पंप पड़ता है 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर 9.7 लीटर कम है, कम है ना काफी। तो ये तो एक वो पॉइंट हो गया जो हमें बाद में बताना है। चलो अब तारीफ तो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ये बता दो इसके ना पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या लगते हैं? अभी तक बहुत सारी ड्राइव कर ली है, पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट क्या क्या लगता है? सबसे मेन चीज बैक सीट, पिलियन सीट। अच्छा, बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई 6 फुट वाला बंदा बैठता है, कोई लंबा बंदा बैठता है, तो उसका कोनी मेरे मतलब उसका घुटना मेरे कोनी पे टच होगा, क्योंकि मेन बात आपका ये है जो ये वाला फुटरेस्ट दिया हुआ है ना, ये बहुत ये भी काफी ऊपर दिया हुआ है। ओके। और ये जो राइडर सीट है ये कम्फर्टेबल है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन एकदम कम्फर्टेबल। अभी आपने खुद में बैठा है, आपको कैसा फील हुआ? मतलब तो अच्छा ही फील हो रहा था, इतनी सी ड्राइव में मैं क्या ही फील करूंगा, लेकिन ठीक ठाक सा फील हो रहा था। तो वैसे ये हो गया एक पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट। दूसरा मैं बता देता हूं भाई, टैंक कम से कम 16-17 लीटर का तो होना चाहिए। स्टिल 16-17 नहीं तो मतलब 12 तो, अरे मांग रहे हो ज्यादा, ज्यादा मांगो, कंपनी वाले मानेंगे नहीं ना होंडा माने, मानेगा तो दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन जब ख्वाहिश करते हैं ना तो ज्यादा की ख्वाहिश करते हैं। फिर तो मैं 25 लीटर का टैंक मांगता हूं। तो 25, लेकिन ज्यादा हो जाएगा वो, बल्कि काफी हो जाएगा, पेट से निकल जाएगा उसका पेट। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट ये हो गया। हेडलाइट को लेके क्या कहोगे? हेडलाइट
कंपनी कहती तो प्रोजेक्टर लाइट है इसको, मगर ये किसी काम का नहीं है। हाँ ये आई है असलियत बाहर निकल के। ओके 3,19,000 रुपए की मोटरसाइकिल में ये हेडलाइट इन्होंने इम्प्रूव नहीं करी आज तक। नहीं बिल्कुल नहीं करी। जो होंडा की एक वो सीबी वाली सीरीज के अंदर जो आती है, हाइनेस के अंदर जो आ रही है, वैसा सही लाइट है। एक्चुअली ये आप देखोगे ना, इससे पहले भी इसका एक मॉडल आया था 2017 या 19 में। अच्छा। उसमें पावर वगैरह कम थे, वो BS4 आपका वेरिएंट था, बट उसमें भी उन्होंने हेडलाइट सुधारी नहीं थी। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ जरा, ये काफी चीज मुझे कूल लगी। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना जो बड़ी बड़ी CVR 650 और 1000 के अंदर भी कुछ ऐसा साथ आ रहा था पहले, फिर उन्होंने उसको कलर कर दिया, बट वो वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इनके पास पड़े होंगे तो उन्होंने इन बाइकों के अंदर टोन दिए। इसमें लेकिन अच्छा लगता है। इसमें अच्छी चीज क्या है, जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइट देख रहे हो ना, आपको बहुत सारी बड़ी बाइकों में दिन में ये विजिबिलिटी नहीं होती, बट ये आप दिन में भी विजिबिलिटी है, रात में भी कितनी अच्छी विजिबिलिटी है। इसको ऑन करते हो ना, इसमें लिखा हुआ आता है लेट्स राइड, तो उसी वक्त आपका चल जाता है, दिमाग घूम जाता है कि भाई अब चलानी है मेरी बाइक, मुझसे बोलिए लेट्स राइड और मैं कहता छोड़ दूं। इसको बोलते हैं रिवर्स LCD कंसोल। तो क्या होता है, धूप जितनी ज्यादा पड़ेगी ना तो ये डार्क और ज्यादा हो जाएगा, ये एक इसका फीचर होता है। तो बाइक ले ली, घूमने भी चले गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसके अंदर 3 या 4 ही है। हाँ। सस्पेंशन से कोई शिकायत अभी तक? कोई शिकायत नहीं। और माइलेज वगैरह तो ठीक है, माइलेज भी ठीक है। हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग भी परफेक्ट है। कॉर्नरिंग कैसी है? कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी है। देखो एक तो होंडा के प्रोडक्ट की बात हो रही है, वो भी 3,20,000 वाले की, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, कि सीट इम्प्रूव हो जाए, टैंक बढ़ जाए, हेडलाइट और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए? हाँ मतलब सीट भी इनको थोड़ी और बड़ी करनी चाहिए बस। हाँ। ज्यादा नहीं, बड़ी कर दो। और ये तो थोड़ा प्लीज थोड़ा सॉफ्ट करके दो, क्या पता किसकी डिग्गी बड़ी हो। हाँ। सबसे बढ़िया थोड़ा सॉफ्ट करके दो यार। अच्छा, बहुत दर्द होता है सॉफ्ट करके, क्या पता किसकी डिग्गी कितनी टाइट हो। हाँ। तो ये जो बाइक लेने के बाद में वीडियो बना के कहीं डालते हो? हाँ, मेरा एक्चुअली यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? तो वो है राइड विद जैक के नाम से। राइड विद जैक को जाके देख लेना, अच्छे वीडियो लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ ऐसी सी टिप्स हैं अगर कोई मोटरसाइकिल की वाली लेना चाह रहा हो, 3,20,000 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू होती है, खरीदने से पहले उसको कुछ बताना चाहते हो? अच्छी बाइक है लो, बट देखो थोड़ा जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। बाकी कंपनी में जो है प्रीमियम, आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। लेके रोने वाली तो बातचीत नहीं है इसमें? नहीं, कोई अब तक मैं रोया नहीं। होंडा का सर्विस कैसा है? सर्विस भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट सर्विस कितने की होती है इसकी? अभी मतलब स्टार्टिंग के 3 सर्विस आपके, क्वेश्चन पूछ लूं ना एक बार में, स्टार्टिंग के 3 सर्विस आपके फ्री है इसके, तो मोटा मोटी आपको इंक्लूडिंग GST 2100 रुपए का पड़ता है। तो इसकी कितनी सर्विस हो चुकी है अभी तक? ये अभी दूसरी सर्विस की हो चुकी है, तो तीसरी भी फ्री है। तीसरी भी फ्री है, पूछने का फायदा नहीं है फिर। जब पेड होगी तो कितने की होगी कोई चार्ज? मोटा मोटी मैं आपको एवरेज बताता हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरा एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा एक्चुअली रिम बेंड हो गया था, तो मैंने इसको इंश्योरेंस पे डाला था, तो वारंटी में जाएगा वो, तो अब वो वारंटी उसमें जाएगा इंश्योरेंस में। हाँ, इंश्योरेंस पे, बट स्टिल लाइक दे विल चार्ज 10% मोर, मतलब जो आपका अमाउंट होगा उसमें 10% आपको आएगा। एंड फिर भी आप मोटा, मैंने एक एवरेज जो इनसे निकाला है तो वो अब मोटा मोटी आपका 5,000 रुपए तक कहीं मत बोलो। तो जो उन्होंने रिम चेंज, ये एक मेन पॉइंट है, जो जब रिम उन्होंने आपने क्लेम लिया उसका 10% लिया उन्होंने। हाँ मतलब लेंगे, लेकिन ऐसा कैसे? अगर जीरो डेप्थ है इंश्योरेंस तो फिर 100% होना चाहिए। तो लास्ट में सब कुछ सॉल्व हो गया था या? हाँ हो गया सॉल्व, फंसी रही बातचीत थी साथ में। मतलब उन्होंने मेरे को जो उसमें बेनिफिट दिया ना, रिम के साथ मेरा हैंडल चेंज करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, एक्चुअली हल्का सा मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि टेढ़ा है, कि टेढ़ा है, बट उन्होंने बोला कि नहीं सर हम चेंज करवा देते हैं। कोई पुराना हैंडल आपको दिया वापस? अभी तो मिलेगा, ये ऑर्डर में लगा है। एक्चुअली होंडा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर उनसे ऑर्डर करवाते हो ना, दे विल टेक 1 month टाइम। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसी कावासाकी के साथ में प्रॉब्लम है। तो ये पुराने हैंडल ले लेना, इसको पेंट करके बेच देना, ठीक है, थोड़े से पैसे वापस आ जाएंगे। चलो थैंक यू सो मच यार, और अच्छा लगा ये बाइक को, इस वाली जो कपड़े बना रखे हैं इसको टूरिंग वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, स्ट्रीट बाइक को टूरर बना रखा है, जैसे ज्यादा लोग बनाते नहीं, लेकिन कुछ लोग बना लेते हैं शौकीन ऐसे वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ऐसे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, और अच्छे अच्छे वीडियोज और गाड़ी, बाइक, प्लेन सबके लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।